हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में थर्ड प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और इससे पहले कि जो फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं लगाया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में आई बटन पे ही मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उन्हें भी लगा लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे मैं जो भी प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, वो क्या कह रहा है कि विच पेयर ऑफ क्वांटिटी हैज़ डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री पेयर्स। नीचे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि तीन एक जैसे हैं और एक अलग है, तो वो अलग ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो ऑप्शन ए आपको गिवन है इंपल्स एंड लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन बी गिवन है आपका प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन सी आपको गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, ऑप्शन डी आपको गिवन है यंग्स मॉडुलस एंड प्रेशर। तो फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि इसमें से कौन से तीन पेयर हैं जिनका जो डायमेंशन फार्मूला है बिल्कुल सेम है, लेकिन जो चौथा है उसका सेम नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा है और आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें आंसर कौन सा सही होगा। आई होप फ्रेंड आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। आप लोगों को सिर्फ आपको अपने कॉपी में टिक कर वीडियो को पॉज कर लेना है, सॉल्व करना है और उसके बाद आंसर टिक करके फिर वीडियो को चालू कर लेना है। स्किप करेंगे तो आप अपना लॉस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है आपसे कोई ना कोई वो कंटेंट छूट जाए जो आपको समझना था, वो बीच में ही छूट जाए अगर आप स्किप करके देखेंगे। तो चलिए बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पल्स की, ऑप्शन नंबर ए की। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। ओके, तो फोर्स का आपका जो डायमेंशन फार्मूला होता है MLT-2 होता है और टाइम का होता है T, लेकिन ये +1 होगा। तो जो आपका इम्पल्स का डायमेंशन बन के आएगा वो आ जाएगा MLT-1। ओके, ये तो इम्पल्स का हो गया। आपने अगर लिखा नहीं तो लिख लीजिएगा आपको, क्योंकि आगे आपसे पूछ भी सकता है कि इम्पल्स का डायमेंशन क्या होगा, तो आपको वो बताना होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं लीनियर मोमेंटम की। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को हम लोग एम से लिखते हैं और वेलोसिटी के लिए होता है LT-1। LT इसलिए क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है ना, मीटर पर सेकंड, मीटर होती है दूरी, तो दूरी के लिए हम लोग L यूज करते हैं, तो LT-1 हो जाएगा। तो देखा आपने इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन फार्मूला सेम था, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। बात कर लेते हैं प्लैंक कांस्टेंट की। तो प्लैंक कांस्टेंट होता क्या है, प्लैंक कांस्टेंट को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, फार्मूला होता है E=h μ। ओके, ये फार्मूला होता है, E होता है आपका एनर्जी, H होता है प्लैंक कांस्टेंट और म्यू होता है आपका फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम लोग अब देखते हैं कैसे होता है, हमको H पता करना है, तो E हो जाएगा यहाँ पर आपका H=E/μ। और म्यू को आपको मालूम है कि म्यू हम लोग लिखते हैं 1/टाइम, और 1/टाइम लिखेंगे तो जो टी है आपका उठ के ऊपर चले जाएगा, E into T हो जाएगा आपका, और इधर आपका एच आ जाएगा। तो अब इसका बस डायमेंशन निकाल लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका कैसे होगा, मैं जिन जिन के डायमेंशन, इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपसे किसी एक का डायमेंशन पूछ ले और आपको डायमेंशन के चार तरीके इसमें ऑप्शन दे दे, बता दे इसमें से इसका डायमेंशन क्या है। तो आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन में आपके कम से कम 8 क्वेश्चन बन गए और 8 आपको 8 तरीके से आपको ये चीज़ पता चल गया। आपको समझ लीजिए यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक चल रहा है। तो अब इसमें आप बता लें एनर्जी का फॉर्म जो डायमेंशन होता है वो होता है MLT-2। ओके, और उसके बाद आती फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है टी, और टी यहाँ पे आके क्या हो गया था, ऊपर था टी तो +1। तो यहाँ पे आपका जो डायमेंशन बन के आएगा प्लैंक कांस्टेंट MLT, और ये टी +1 था, -2 होता तो -1 हो जाएगा, MLT-1। ये आपका प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकल के आया। आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है आपका, एंगुलर मोमेंटम होता है आपका I ω। ओके, ये एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं I ω। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, क्योंकि यहाँ पे एंगल की बात करी, किसी सर्कुलर में घूम रहा है तो उसमें एंगल बनता है, तो यहाँ पे एंगल की बात, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी ली जाएगी, और I होता है आपका इनर्शिया। तो अब इसका देख लेते हैं क्या होगा, लीनियर एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, I होता है इनर्शिया, इनर्शिया MR² होता है, लेकिन इनर्शिया का जो डायमेंशन बनेगा आपका बनेगा वो ML, ठीक है, और वहाँ पे आपकी वेलोसिटी थी है ना Mω, एंगुलर वेलोसिटी, और वेलोसिटी हम लोगों ने लिखा था वेलोसिटी का LT-1।
टी माइनस वन, ओके, मीटर पर सेकंड होता है। तो ये जो आपका बन के आएगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल टू टी माइनस वन। तो ये भी आपका प्लैंक कांस्टेंट के बराबर ही निकल के आया, तो इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। जिस जो मैं डायमेंशन लिखा रहा हूँ आप ज़रूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो अभी हमने इनर्शिया का निकाला था कि जो आई होता है वो इनर्शिया होता है, और इनर्शिया का होता है एम आर स्क्वायर, ओके, एम आर स्क्वायर होता है फार्मूला। तो इसका डायमेंशन बन जाएगा एम एल टू, ठीक है, यह एम एल टू बन जाएगा। लेकिन बात करें मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स अलग है और मोमेंट ऑफ फोर्स अलग होता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, वो मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। तो फोर्स का हमने अभी डायमेंशन फार्मूला निकाला था एम एल टी माइनस टू, और जो डिस्टेंस होता है उसको एल से डिनोट करते हैं, तो एम एल टू मगर टी माइनस टू आ गया। हमने इससे पहले जो इनर्शिया निकाला था, इनर्शिया को तो एम एल टू था, लेकिन यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो है एम एल टू मगर टी माइनस टू भी साथ में आ गया। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यही डिफर है। अब यहाँ पर हम आखिरी चेक भी कर लेते हैं, यंग मॉड्यूलस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यंग मॉड्यूलस का क्या होगा, यंग मॉड्यूलस की बात करें तो यंग मॉड्यूलस में आपका होता क्या है कि जो फार्मूला बनता है ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, नीचे स्ट्रेन होगा ऊपर स्ट्रेस। तो स्ट्रेन आपका डायमेंशन लेस होता है, और जो यंग मॉड्यूलस हो जाता है वो आपका स्ट्रेस के बराबर हो जाता है। डायमेंशन लेस इसलिए होता है क्योंकि जो जो आपका स्ट्रेन है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये लेंथ लेंथ कट जाता है इसलिए कोई डायमेंशन नहीं बचती। लेकिन जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन आपसे हमने अभी डिस्कस किया था, फोर्स का डायमेंशन होता एम एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू और नीचे एरिया, तो नीचे एल टू हो जाएगा, एल टू ऊपर जाएगा तो एल माइनस टू हो जाएगा, और एक एल से एक एल कट जाएगा तो ऊपर आके आ जाएगा माइनस वन। तो बन जाएगा आपका फॉर्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आपका डायमेंशन आ जाएगा यंग मॉड्यूलस का, जिसके आपको फॉर्मूले भी याद होते जा रहे हैं और साथ ही साथ उसकी डायमेंशन भी याद होती जा रही है। बात कर लेते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का भी फॉर्मूला सेम होता है, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। इसलिए जो डायमेंशन इसकी यंग मॉड्यूलस की बताई थी वही डायमेंशन आपकी प्रेशर की भी हो जाएगी। तो आपको मैंने बता दिया 21 का जो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बस यही है कि इसकी डायमेंशन एक दूसरे से नहीं मिल रही, बाकी तीनों की मिल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि द ड्राइवर ऑफ ए ट्रेन ए मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड साइट्स अनदर ट्रेन बी मूविंग ऑन द सेम ट्रैक एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन ही, इसके बाद क्या कह रहा है, ही इमीडिएटली अप्लाइज ब्रेक एंड अचीव अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टू अवॉइड कोलिजन, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन, ट्रेन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए उनके बीच की, क्या है, कोलिजन को रोकने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, आपको देखिए इसमें आपको गिवन क्या है, आपको आप स्पीड गिवन है और बोल रहा है कि सेम दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं, तो जब एक दिशा में जाती हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। 30 माइनस 10 करेंगे तो आपकी स्पीड बचेगी 20। ओके फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, आप ऑप्शन आपको गिवन है 80 मीटर, ऑप्शन बी 100 मीटर, ऑप्शन सी 120 मीटर और ऑप्शन डी 140 मीटर। आई होप आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद सॉल्व करिए और देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, और उसके बाद आप देखिए कि जो आंसर मैं बता रहा हूँ वो आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सिंपल मैंने आपको बताया कि जब ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड माइनस हो जाती है, और स्पीड आपकी निकल के क्या आई, 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें हम लोग लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी 0 और हम लोगों ने जो अभी फाइनल वेलोसिटी लगा ली वो है 20 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर कर दीजिए, और 2 इंटू रिटार्डेशन हो रहा है 2 इंटू और एस, हमको दूरी निकालनी है। ओके, तो अब दूर, अब ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, और उस तरफ 2 2 4 होता है। ओके, और एस डिस्टेंस, तो इसको काटने पर हमको वैल्यू कितनी मिल रही है, 100 मिल रही है। तो मतलब कि इतनी दूरी पे क्या है, मिनिमम डिस्टेंस इतनी होगी जब वो लोग रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से करेंगे, तो 100 मीटर दूर पे जाके ये ट्रेन आप रुक जाएगी, तो इससे क्या है, कोलिजन नहीं होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ में फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट हैपेंस इफ़ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर माइनस टू।
क्या होगा अगर जो वेक्टर है उसको माइनस टू से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ऑप्शन ए आपका गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ़ द वेक्टर इज़ डबल बट इट्स डायरेक्शन रिमेंस द सेम। ऑप्शन बी गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ़ द वेक्टर रिमेंस द सेम बट इट्स डायरेक्शन इज़ रिवर्स्ड। ऑप्शन सी गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ़ द वेक्टर इज़ डबल्ड एंड इट्स डायरेक्शन इज़ रिवर्स्ड। ऑप्शन डी गिवन है, नाइदर द मैग्नीट्यूड नॉर द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर अंडरगो एनी चेंज। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कैसे, देखिए जो माइनस टू है, अब लिखा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ़ द वेक्टर इज़ डबल्ड, हम दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, एंड इट्स डायरेक्शन इज़ रिवर्स्ड, जो माइनस है ना वो रिवर्स का वो डिफाइन कर रहा है कि जो है रिवर्स डायरेक्शन में है। ओके, माइनस मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन, माइनस ये शो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन डिपेंड्स अपॉन। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये बोला है कि ये स्टेटमेंट्स को देख के आपको बताना है। तो चलिए स्टेटमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। तो स्टेटमेंट में ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए द एंगल ऑफ ए प्रोजेक्शन, बिल्कुल जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे तो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है एंगल पे डिपेंड करता है, बिल्कुल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को उस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑल ऑफ द लिया हुआ है कि सारी चीज़ें जो ऊपर गिवेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, ऑलरेडी मैं एक कंफर्म कर दूँ कि भाई मुझे ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आया, लेकिन अगर आपको आ जाए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 जो है नहीं मुझे आया, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आई होप आप में से कुछ लोग इसको कर लेंगे, तो उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैंने इसको आपके सामने कर भी दिया है तो आप इसको इजीली देख लीजिए क्वेश्चन है क्या, और इसको आप अगर सॉल्व कर सकते हैं तो ज़रूर सॉल्व करके हमें आंसर बताइएगा। आपको ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए वी, ऑप्शन बी रूट टू वी, ऑप्शन सी रूट थ्री वी और ऑप्शन डी टू वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड अ फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन एक्ट ऑन अ स्टोन ऑफ मास 1 kg नेगलेक्ट एयर। मतलब कि हमको बताना है ये जो सिचुएशंस, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं वो सिचुएशंस दी गई हैं, तो बताना है कि किस सिचुएशन में जो 1 kg का मास है उस पे 9.8 न्यूटन का जो है फोर्स एक्ट होगा लगेगा। ऑप्शन ए जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो स्टेशनरी ट्रेन, ऑप्शन बी जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन रनिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 36 km/h, ऑप्शन सी जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन एक्सेलरेटिंग एट 1 m/s², या फिर ऑप्शन नंबर डी व्हेन इट इज़ लेइंग एट रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ ए ट्रेन विच इज़ एक्सेलरेटिंग एट 1 m/s². तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। तो फ्रेंड्स ये होता है फॉर्मूला आपका F=ma, ठीक है। फोर्स आपको दिया है 9.8 m। अब बात आती है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो ए आपका जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मास आपको 1 kg दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको मालूम है कि जो वैल्यू होती है वो मास की हमको 1 गिवन है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है 9.8 होती है। तो इसमें सिंपली आपको मालूम कि अगर आप स्टेशनरी ट्रेन से कोई चीज़ नीचे डालेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसके रिस्पेक्ट में जाएगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज़ रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, अ फोर्स ऑफ 10 N इज़ अप्लाइड फॉर 4 s ऑन दी ब्लॉक इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इफ़ जी इज़ टू 10 m/s² एंड द कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल 0.2, देन द वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज, ऑप्शन ए 144 J, ऑप्शन बी 96 J, ऑप्शन सी 72 J और ऑप्शन डी 36 J। तो इसमें जो आपका है आपको सॉल्व करना होगा, तो सिंपली आपको सॉल्व करने का मैं बता देता हूँ कैसे होगा।
इसमें जो है आपको सबसे पहले तो आपको इसमें दिया गया हुआ है एक नई चीज़ जो आपको शायद मालूम भी हो या ना भी, लेकिन मैं बता देता हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है, मतलब कि म्यू के दिया है 0.2। ये होता क्या है, मैं बात कर देता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एफ़ के, जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक वाला, जो उसका फार्मूला होता है म्यू के एन। एन होता है जैसे ये ब्लॉक रखा है ज़मीन पे एम मास का, तो इससे क्या है, इस पे नीचे दबाव लग रहा होगा एम जी का, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल एन होता है उसके अपोजिट उतना ही लग रहा होता है, तो ये एम जी होता है आपका एन। ओके, तो म्यू के एन मतलब कि म्यू के एम जी हो जाएगा आपका। म्यू के आपको दिया हुआ है 0.2, एम आपको दिया हुआ है 2 kg, और ये जी आपको 10 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4। ठीक है, तो इसका मतलब कि 10 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है उसमें फ्रिक्शन 4 लग रहा है, तो 10 में 4 माइनस कर दो, जो नेट फ्रिक्शन नेट फोर्स लग रहा है वो आपका 6 हो गया। ठीक है, नेट फोर्स तो आपको मिल गया। अब बात कर लेते हैं फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। नेट फोर्स कितना है 6, मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन आपका आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 3 आपका। अब हम लोगों को पता क्या करना है, पता करना है इसमें वर्क डन। ठीक है, वर्क डन निकालने के लिए हम लोगों को मालूम, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी निकाली नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। ठीक है, हाफ़ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। यू इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये तो पूरा 0 हो गया। अब बचा हाफ़ ए टी स्क्वायर, तो हाफ़ हम लोग वैसे लिख देंगे। एक्सेलरेशन हम लोगों को मिल गया था 3, और टी कितना यहाँ पे टाइम 4 सेकंड दिया है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। 2 8 16 होता है, और 8 3 24, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 24 आ गई। अब हम लोग लगा देंगे, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 6 था, डिस्प्लेसमेंट 24, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 144 जूल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपने आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए वीडियो, और आप फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो इलास्टिक को जो इन इलास्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले बात कर रहा हूँ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो होता है जैसे कि आपने कोई रबर की बॉल ली और दीवार पे मारा, वो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दीवार से टकराई और 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो वापस आई, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आया बॉल की रफ्तार में, है ना। इसका मतलब कि एनर्जी में भी कोई परिवर्तन नहीं आया होगा। लेकिन जो इन इलास्टिक होता है, अब बात करते हैं इन इलास्टिक की। ठीक है, इन इलास्टिक में होता है कि आपने 10 मीटर प्रति सेकंड से बॉल को फेंका दीवार पे, लेकिन वो लौट के आ रही है 8 मीटर प्रति सेकंड की, मतलब कि कुछ एनर्जी उसकी वहाँ पे टकराने में ख़त्म हो गई, तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें बता रहा है कि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या चीज़ें बदलती हैं। तो ये इसमें दिया है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही होगा। तो आई होप आप लोग लगा चुके होंगे, या फिर लगा लीजिए, अगर नहीं लगाया है तो वीडियो को पॉज करके फिर मैं बताता हूँ कि कौन सा होगा सही। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, चाहे कुछ भी हो, एनर्जी ख़त्म हुई वो तो ठीक है, लेकिन आपको मालूम है जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, वो चेंज नहीं होती, क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कभी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया कि 10 मीटर की रफ्तार से आपने मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बॉल फेंकी, लेकिन आ के इतनी रफ्तार से रही 8 मीटर प्रति, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, जिस रफ्तार से की उस रफ्तार से तो नहीं आई, तो क्या कंजर्व नहीं है। मोमेंटम, मोमेंटम चाहे कुछ भी हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व रहता है, और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, अ स्मॉल प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ वर्टिकल वेरी मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद अ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार वर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -5/2, देन टी वुड बी प्रोपोर्शनल टू। आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए आर की पावर 3/2, ऑप्शन बी आर की पावर 3/5, ऑप्शन सी आर की पावर 7/2, एंड ऑप्शन डी आर की पावर 7/4। तो फ्रेंड्स बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, r^7/4। इसमें आप कैपिलर का नियम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें वो ऑर्बिट के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 30, और बोला अ क्यूब ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर कंटेंड इन अ वेसल, व्हेन द आइस मेल्ट द लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल, ऑप्शन ए राइजेस, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी रिमेंस अनचेंज्ड, और ऑप्शन डी फॉल्स एट फर्स्ट एंड देन राइजेस टू द सेम हाइट एज बिफोर। तो इसमें से क्या सही आंसर होगा आप लोग जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, फिर मैं बताता हूँ क्या सही होगा। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, रिमेंस अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मालूम है क्या होगा, बर्फ़ जो है उसको अगर हम गिलास में डालते हैं पानी में भरा हुआ, तो वो उतना वाटर डिस्प्लेस कर देता है जितना वो खुद होता है। तो जब पानी अगर पिघल जाएगा तो उसका लेवल जो है उतना ही मेंटेन रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो 31 में दिया है द डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी टर्म्स ऑफ ML and TR। यही मैं बोला था कि आपसे बस यहाँ पे जैसे बोल दिया विस्कोसिटी का, बताइए डायमेंशन क्या होगा। ऐसे ही आपसे हो सकता है प्लैंक कांस्टेंट का पूछ ले, यंग्स मॉडुलस का पूछ ले, तो इसलिए मैंने आपको उसको थोड़ा डिटेल में बता दिया जिससे कि आपको आगे चल के फ़ायदा हो। तो फिर इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए ML-1 T-1, ऑप्शन बी ML-1 T-2, या ऑप्शन सी ML-2 T-1, और ऑप्शन डी ML-2 T-2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ML-1 T-1। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन अ वेव इज रिफ्रैक्टेड इनटू अनदर मीडियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज, ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी विस्कोसिटी वेलोसिटी, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, मतलब कि एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी। आपको मालूम है कि जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। उसकी वजह बस यही होता है कि उसका जो एम्पलीट्यूड है और जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में गिवन है 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज। कह रहा है कि 300 ग्राम जो कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे है वाटर, और 100 ग्राम का जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, दोनों को मिलाने पे टेम्परेचर क्या रहेगा फाइनल टेम्परेचर। तो सिंपल है, देखिए इसमें मैं एक फार्मूला बताता हूँ जो होता है हीट Q इज़ इक्वल्स टू आपका यहाँ पे आप लिखेंगे MS∆T। ठीक है, M मास हो गया, S होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो है हीट है, तो मास कितना गिवन है यहाँ पे, मास आपको 300 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है 1, और चेंज इन टेम्परेचर 25 में 0 माइनस कर दो तो 25 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7500 कैलोरी। ठीक है, ये इतनी हीट हो गई आपकी। अब बात कर लेते हैं 100 ग्राम की, इसके लिए हम लोग लगाते हैं तो इसकी लेटेंट हीट निकालने के लिए। तो लेटेंट हीट निकालने के लिए जब हम लोग देखेंगे तो लेटेंट हीट होती क्या है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है ML, L होती है लेटेंट हीट और M होता है मास, मास आपको 100 ग्राम और लेटेंट हीट आपको 80। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात कर लेते हैं 100 ग्राम ऑफ आइस, यहाँ पे आइस दिया हुआ है ना, तो आइस के लिए हम लोग लेटेंट हीट निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8000। ठीक है, 8000 कैलोरी। अब आपको मालूम उसमें 7500 थी, इसमें 8000 है, तो मतलब 500 कैलोरी का वो हो रहा है, 500 कैलोरी हीट बची। तो अब वो हीट जो बच रही है उस टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज होगी ना, ना कि टेम्परेचर को कम करने में। यहीं पे अगर वो 7500 की जगह अगर 8500 होती और ये 8000 होता तो टेम्परेचर को क्या करता, बढ़ाता या कम करता। तो यही चीज़ यहाँ पे 500 कैलोरी बच रहा है तो वो टेम्परेचर को बढ़ाएगा, तो ये जो है 0 डिग्री तक इसकी जो है मिनिमम लिमिट जा सकती है, जो फाइनल टेम्परेचर वो 0 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 5/4 नहीं गिवन है। अगर आप इसमें जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें जो आपको गिवन है इसमें बोल दिया है कि जितने भी रजिस्टर लगे हैं सब 10 ओम के हैं, और आपको बताना है कि इसका जो फाइनल ए से बी पॉइंट तक जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, यहाँ से
यहाँ तक जाने में। समझ लीजिए कि ये एक तरीके से पाइपलाइन है जहाँ से पानी गुजर रहा है। तो आपको मालूम है कि पानी यहाँ से जब जाएगा तो एक तो यहाँ पे चला जाएगा और एक दूसरा इधर चला जाएगा। ठीक है, ये तो समझ गए आप। चलिए, ये तो सिंपल था, क्योंकि बट गया है तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये सीरीज में हो गया, पैरेलल में हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे जाएगा तो एक बार पानी इधर चला जाएगा और एक इधर जाएगा। इधर तो बंद है तो इधर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये समझ लीजिए कैंसिल हो गया। ऐसे यहाँ से इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, लेकिन इधर बंद है तो पानी वापस इधर आ जाएगा। तो ये भी कोई इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। और ये यहाँ से आके फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये तो सीरीज में है ये दोनों। एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, बट ये पॉइंट से ये और ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जोड़ देते हैं, 10 ओम 10 ओम 20 ओम हो गया, 10 ओम 10 ओम 20 ओम हो गया। लेकिन ये 20 ओम और 20 ओम दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में हम लोग 1/20 + 1/20 लिखेंगे, तो बचेगा 1/10। और 1/10 मतलब कि ये ओवरऑल जो ये बना है आपका इतना सा, ये आपका टोटल 10 हो गया। और जब इसको टोटल 10 हो गया तो सिंपली आपको ये एक हो गया, एक ये हो गया और फिर एक ये हो गया, तो ये तीनों सीरीज में है, तो 10 ओम 10 ओम 10 ओम 30 हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 ओम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द इंटरफेरेंस पैटर्न अफेक्टेड इफ़ द यंग्स एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन स्टिल वाटर देन इन एयर। की जगह अगर स्टिल वाटर में इंटरफेरेंस को देखा जाए तो इसमें किस पे प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, फ्यूअर फ्रिंजेस विल बी विजिबल। ऑप्शन बी, फ्रिंजेस विल बी बॉर्डर। और ऑप्शन सी आपको है, फ्रिंजेस विल बी नैरोअर। या फिर ऑप्शन डी, नो फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड। तो क्या आंसर होगा जल्दी से टिक कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रिंजेस विल बी नैरोअर। और क्या, पतली हो जाएंगी। तो रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इच, जो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन ए आपको गिवन है, प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। या फिर ऑप्शन बी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। ऑप्शन सी, प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर। या ऑप्शन डी, नॉट रिलेटेड टू इट्स मास नंबर। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ईजी है। तो ये हो जाएगा कि जो ये जो रेडियस होता है कि जेड इजकल्स टू आर क्यूब होता है। तो जब ये आर जो क्यूब है वो इधर आएगा तो क्यूब रूट में हो जाएगा। जेड होता है मास नंबर, ये है न्यूक्लियस की रेडियस, तो ये प्रोपोर्शनल होता है क्यूब रूट के। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ इस मास नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इट इज़ ईजियर टू रोल अ बैरल देन टू पुल इट बिकॉज। ऑप्शन ए, द फुल वेट ऑफ द बैरल कम इन टू प्ले वेन इट इज़ पुल्ड। ऑप्शन बी, रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन सी, द सर्फेस एरिया ऑफ द बैरल इज कॉन्टैक्ट विद द रोड इज मोर इन केस ऑफ पुलिंग। ऑप्शन डी, ऑफ अ रीजन अदर देन दोस मैंशनड। तो फ्रेंड्स, आंसर टिक कर लीजिए क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीट ऑफ पेपर कैन बी पुल्ड आउट क्विकली फ्रॉम अंडर अ ग्लास ऑफ वाटर विदाउट स्पिलिंग द वाटर। दिस फिनोमिना इज इलस्ट्रेट। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, लैक ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड ग्लास। ऑप्शन बी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। या ऑप्शन सी, इनर्शिया। या ऑप्शन डी, एक्सलरेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गया, इफ़ टू बॉडीज वन हैवी एंड वन लाइट आर एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम देन बोथ बॉडीज एक्वायर द। कह रहा है कि दो बॉडीज हैं, एक हैवी है एक लाइट है, उन पे क्या है सेम टाइम के लिए सेम फोर्स एक्ट किया जाता है। तो उसमें क्या मतलब कि देन द बॉडीज एक्वायर द, बॉडी में क्या सेम रहेगा। ऑप्शन ए, सेम वेलोसिटी। ऑप्शन बी, सेम मोमेंटम। ऑप्शन सी, सेम एक्सेलरेशन। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इसमें जो मोमेंटम है हमेशा सेम रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सेम मोमेंटम। मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। आपको मालूम है फोर्स अगर वही लगा रहे हो और मास ज़्यादा कर दोगे तो वेलोसिटी तो धीमी हो जाएगी, इसलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, द वर्क डन इन होल्डिंग अ वेट ऑफ 20 kg एट अ हाइट ऑफ 1 meter द ग्राउंड इज, वर्क डन क्या होगा? तो इसमें वर्क ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 20 joule, ऑप्शन नंबर सी 200 joule और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। आई होप सो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को आंसर पता होगा तो उसने अब तक लगा भी लिया होगा। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 0, क्योंकि वर्क डन इज होल्डिंग अ वेट ऑफ 20 kg एट अ हाइट ऑफ, हम किसी वेट को एक ऊपर लेके खड़े हुए हैं, जैसा कि आप कूली का एग्जांपल ले लीजिए, तो उसमें वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के क्योंकि, ऑप्शन ए दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी एटम्स आर लाइटली पैक्ड, या ऑप्शन सी दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें अगर फ्री होंगे मेटल्स में, तभी तो कहीं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगी, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दे कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 42 है, लेट अ थिन कैपिलरी ट्यूब बी रिप्लेस्ड विद अनदर ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, देन वी फाइंड वाटर, ऑप्शन ए विल ओवरफ्लो, ऑप्शन बी विल नॉट राइज, ऑप्शन डी डिप्रेस्ड, या ऑप्शन डी चेंज इट्स मेनिस्कस। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विल नॉट राइज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स चूज द पेयर इन विच द फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। ये वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इम्पल्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके मैंने आपको सारा बता दिया था कि इसमें से क्या क्या का क्या क्या डायमेंशन है, तो मैंने करके अभी आपको दिखा दिया था स्टार्टिंग में, तो आपने नहीं देखा तो शुरुआत में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। 44 क्या कह रहा है, 44 कह रहा है, इफ़ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस इनिशियली एट रेस्ट आर एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्स ऑन द सेम टाइम देन बॉडीज एक्वायर द, सिंपल है, अभी मैंने यही क्वेश्चन थोड़ा ऊपर पहले बताया है। तो इसमें क्या, ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, मोमेंटम जो है कभी क्या है, मोमेंटम हमेशा सेम रहता है, बस इसको दूसरी तरीके से इसमें बताया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिक आउट द स्केलर क्वांटिटीज, में से स्केलर क्वांटिटी बताइए क्या है, ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी प्रेशर और ऑप्शन सी वेलोसिटी, ऑप्शन डी एक्सेलरेशन। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेशर, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, बाकी फोर्स में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और जो प्रेशर है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।